बैठ। लच्छी, लच्छी मरजानी किथे है तू? भाभी मैं ठीक हूँ। लच्छी, हाँ भरजाई जी। हाय रूपा, कैसे सफाई करती है तू? ये कांच यहाँ पे कैसे आया? अब खड़ी रहेगी क्या? जाके दवाई लेके आना। अभी रहे। अरे ये पुत्र, ये पैर में क्या हुआ तेरे? दीजी वो पता नहीं, वो कांच का टुकड़ा घुस गया। पता नहीं कि खोई खोई कहाँ चल रही थी। ये तू भी ना अजीब है। गीत पुत्र बोल ना, बात क्या है? पता नहीं बीजी, वो जब बाजार गए थे ना तो उदास तो थी, पर इतनी उदास नहीं थी। पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ से आने के बाद तो और भी ज्यादा उदास हो गए। बस मम्मी, मैनू पता है की गल है। जुगनू की शातर नजरों से आज तक कोई नहीं बच सका। बहन, मैं बता सकता हूं आज बाजार में क्या हुआ था। और गीत किससे मिली थी? जुगनू की शातर आंखें कभी तो खा नहीं खा सकती। पैन टेलीफोन बूथ के पीछे खड़ी होके गप्पे मार रही थी। जुगनू, तू आधे घंटे से क्या आलाप पे जा रहा है? किसको देखा तूने बातें करते हुए? ये तो मैं जानता हूँ बहन, सिर्फ मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी आंखें धोखा खा ही नहीं सकती। वाह मेरे मामा, जुगनू जेम्स बॉन्ड, क्या देखा था फिर बता दो। हैं? हाँ बता रहा हूँ, विचना छलांगे मारी जा। बहन तेरी बहू और साथ में ये कुड़ी, ये प्रीत, गीत, गीत नाम है इसका। ओ हाँ वही गीत, क्योंकि सिर्फ मैं जानता हूं कि ये बाजार में किससे मिली थी। दुनिया के बड़े बड़े जासूस करमचंद, एजेंट विनोद की आंखें तो खा सकती हैं, लेकिन जुगनू की आंखें कभी तो खा नहीं खा सकती। ओ मम्मे, इतनी तारीफ ना कर आंखों की, कोई सरकार को पता चल गया ना तो उठा के म्यूजियम में रखवा देनी है। ओए गाल सुन। तो मामा जी, जो जो कहना है साफ साफ कहो, किससे मिली थी गीत? ओ पुत्र, वही तो मैं बता रहा हूं, अपना है ना वो। तुम लोग बात को इतना लटका देते हो कि मैं भूल जाता हूं। और तू ना मेरे को तेजी ऐसे घूर घूर के मत देखा कर, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। और फिर से भूल गया। एक ना छोटा सा पटियाला लगा लो, शायद याद आ जाए। हाँ मैं कहता हूँ छेती छेती निकल लो, वरना कुटाई होने के पूरे चांस हैं। है? गीत, चल मैं तुझे कमरे में छोड़ दूँ। जी, मामा ने कुछ तो देखा होगा। तेजी पुत्र, तू भी किसकी बातों पे यकीन कर रहा है? अड्डा मार के जासूसी नावल पढ़ के वही सपने में देख रहा होगा। वो बात तो ठीक है बीजी,
लेकिन पम्मी और गीत हमसे कुछ तो छुपा रहे हैं। तेजी पुत्र, इशपाल की जगह नए ड्राइवर का इंतजाम करना पड़ेगा, वरना कामकाज में तकलीफ आ सकती है। मैं तो कहता हूँ अखबार में मशहूरी दे देते हैं, ऐवें मिल जाएगा। गीत, तुम बाजार में कहाँ चली गई थी? मैं तो भाभी के साथ ही थी। ये मैं इसलिए पूछ रहा था, कहीं वो बंदा तुम्हें तो नहीं मिला? क्या नाम था उसका, लकी, जिसे तूने? बाजी, उसे नाम बताने का मैंने मौका ही कहां दिया था, उसके तो आते ही मैंने उसकी तो लेत तेरे की देत तेरे की ये पहला की पूछो मत, बड़ी तसल्ली बख्श सेवा की मैंने उसकी। हाँ मौसी जी, कौन आया था, किसे मारा लकी वीर जी ने? वो मान के दफ्तर से आया था कोई, चश्मा पहना हुआ था, कुछ अटक अटक के बातें कर रहा था और मैंने ना उसे पूरा अटका दिया। आदि से आए थे मासी जी? हाँ, मेरे ख्याल से वही होगा। लकी वीर जी, ये भी कोई बात हुई? अब किसी को भी पकड़ के पीटने लग जाते हो। चुप है पम्मी। गीत, क्या वो बंदा तेरे को मिला था बाजार में? नहीं वीर जी, मैं उनसे नहीं मिली। लेकिन मासी जी, जो कुछ भी हुआ वो मानने मेरा मतलब है, हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था तो आदि सर को सजा क्यों थी? और क्योंकि वो यहां मान की वकालत करने आया था इसलिए। गीत पुत्र, हमारे पंजाब के सिद्धे से उसूल हैं, दामाद को भगवान मानते हैं, उसको सर आंखों पे बिठा के रखते हैं, लेकिन अगर वही दामाद हमारी लड़की को परेशान करे तो ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी बेगुनाह को सजा देना, ये कौन सा असूल है? जी रुक जा, उसको अभी समझ नहीं है, वो नहीं जानती है कि हम उसका भला चाहते हैं।